खबर देहरादून से है, जहां सूरज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने एमडीडीए पर मिलीभगत और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसे लेकर सूरज सेवा दल ने एमडीडीए का घेराव कर दिया। साथ ही सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि एमडीडीए के आला अधिकारी अपनी मनमानी पर उतारू है, आम जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरफ शासन जहां देश को भ्रष्टाचार मुक्त कराने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एमडीडीए अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, जिसके विरोध में कार्यकर्ता एमडीडीए पहुंचे हैं। एमडीडीए अध्यक्ष ने आया कि दल ने उन्हें कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसकी जांच की जाएगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। नहीं देखिए, मैंने जब ज्वाइन किया था तभी बताया था कि अवैध निर्माण और जो इस तरह की अवैध प्लाटिंग है उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और निश्चित रूप से उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। प्रदर्शन इन डकैतों का इलाज करने आ रखा हूँ मैं, कभी भाई साहब जब मैं आता हूँ ना, इन डकैतों का इलाज बांध के जाता हूँ। इसको प्रशांत सेमवाल की फाइलें साथ में लाया हूँ, इसकी जाँच करवाऊंगा। उपाध्यक्ष जी आएंगे मौके पर, मेरी जो फाइल है उन पर सवाल जवाब होगा। तलब होंगे अधिकारी, तलब होंगे सारे जो आला अधिकारी। माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं और यहाँ उघाई के लिए बैठा रखा है इन लोगों को। क्या जो जीरो टॉलरेंस है, क्या इनके पास जीरो टॉलरेंस की बात है? जीरो टॉलरेंस, विजिलेंस पहले से बना रखी थी, अब वो एक नंबर दे दिया हेल्पलाइन, उससे क्या सारा जनता